हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई टॉक ऑन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक्स। दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट साइटोजेनेटिक्स। द क्वेश्चन आस्क लाइक राइट नोट ऑन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक्स, एक्सप्लेन द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और why the extranuclear inheritance is called maternal inheritance, or explain extranuclear genetics is known as cell organelle genetics. So in first and second part you have to learn about the chromosomal aberrations and sex determination methods, six inherited diseases. So this is one of another interesting part in the cytogenetics, that is the extranuclear genetics. So first of all you know about the genetics. So genetics is a branch of science which deals with the study of heredity and variation. तो जीनेटिक्स एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी इज आल्सो नोन एज द इनहेरिटेंस। दैट मींस एज अ मैकेनिज्म ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, दैट प्रोसेस और मैकेनिज्म इज नोन एज द इनहेरिटेंस। उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं और हेरिडिटी बोल सकते हैं। एंड वेरिएशन इज द डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड सेक्स। तो जो वेरिएशन, वेरिएशन म्हणजे वेरिएशन, दैट मीन्स द डिफरेंस, डिफरेंस इन इंडिविजुअल्स। जो सेक्स के हिसाब से कुछ डिफरेंस रहते हैं, एज के हिसाब से कुछ हमें डिफरेंस दिखाई देते हैं। सो दिस जीनेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसमें हम जो भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर स्टडी करते हैं और साथ में जो भी उनके अंदर जो वेरिएशंस, जो जेनेटिक्स, जो कैरेक्टर्स में वेरिएशंस दिखाई देते हैं उसका भी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनेटिक्स यू हैव टू नो अबाउट द न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। सो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस मीन्स इन सेल एट द सेंटर न्यूक्लियस प्रेजेंट और साइड में साइटोप्लाजम्स रहता है। सो इन दैट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं और क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दीज जीन्स आर कैरी डिफरेंट कैरेक्टर्स। जो जीन्स है और जीन्स क्या करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। और कौन सा कैरेक्टर जो डिटरमिनेशन और डिसाइड करने का काम वो जीन्स करते हैं। सो फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट और फ्लो डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज द सोल एजेंसी ऑफ इनहेरिटेंस। इट मीन्स सेल कंटेंस द न्यूक्लियस। आपको फिगर से क्या क्लियर होता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेन है क्योंकि उसके अंदर क्या रहते हैं, क्रोमोजोम्स रहते हैं। क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है। द न्यूक्लियस कंटेंस द क्रोमोजोम्स एंड क्रोमोजोम्स बियर द जीन्स। दिस जीन्स are control the characters. So the transfer of the characters to the one generation to next generation means transfer of genes or transfer of chromosomes
That means nucleus is sole energy of inheritance, so it is known as the nuclear inheritance or genetics. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मदद से जो भी कैरेक्टर्स है ट्रांसफ़र होते हैं. तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज इम्पॉर्टेंट. सो दिस फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट हमें क्लियर होता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम जीन्स कैरी करते हैं. तो जो एक फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स इम्पॉर्टेंट है. ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स किसकी मदद से होगा? क्रोमोसोम्स की मदद से होगा. क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? तो न्यूक्लियस में रहते. सो दिस होल फैक्ट इज नोन एज द न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. तो जो इनहेरिटेंस है जो थ्रू न्यूक्लियस होता है उसे हम न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हैं. मतलब जो न्यूक्लियस की मदद से जो भी जीन्स कैरी होते हैं दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. देन वी मूव टूअर्ड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस देर इज़ द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनिज्म. सेल स्ट्रक्चर आपको याद है, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, साइड में अदर सेल ऑर्गेनिज्म एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है. सो द एक्सेप्शनली द इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस बाय एनी वन अदर मैटर्स देन द न्यूक्लियस देन इट इज़ नोन एज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. जब भी न्यूक्लियस के अलावा यदि कोई अदर मैटर इनहेरिटेंस में पार्ट लेता है और उसकी मदद से यदि कोई जीन्स वगैरह कैरेक्टर कैरी होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. The extranuclear inheritance mostly takes place by the cytoplasm, therefore it is also known as the cytoplasmic inheritance. मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म रहता है तो थ्रू साइटोप्लाज्म मोस्टली जो extranuclear inheritance थ्रू साइटोप्लाज्म होते तो उसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. Then this extranuclear inheritance takes place by cytoplasmic content like cell organelles, mitochondria, chloroplast, etc. Therefore, it is also known as the cell organelles inheritance. So, उसे cell organelles inheritance भी बोला जाता है क्योंकि cell organelles, for example, mitochondria, chloroplast, also take part in the inheritance or extra nuclear inheritance are happening due to the cell organelles, for example mitochondria and chloroplast etc. So this is also known as the cell organelles inheritance. So next concept is the maternal inheritance. So what is maternal inheritance? Look first of all you look the figures. In female gametes it is circular in shape, that is egg na. So in these female gametes the center nucleus and surrounding the cytoplasms present. In male that is the sperm cells rehte hain. So in nucleus after the fertilization these embryo is formed. In that it becomes the 2N and there is the formation of new offspring. Yahan pe jo new offspring form hote hai after fertilization. So the female gametes is generally larger and stable, that is stationary phase, and female gametes generally having cytoplasm and nucleus. In male gametes is generally smaller and motile
These male gametes having nucleus and lack of cytoplasm. Therefore, the zygote always receives cytoplasm from female gametes, that is maternal in origin. Thus, extranuclear is also known as the maternal inheritance. So, क्या है यहाँ पे कि जो फीमेल गैमेट्स है हमें शेप में लार्जर साइज है उसके और स्टेबल रहते हैं, जो मेल गैमेट्स है वो मोटाइल रहते हैं और साइज उसकी स्मॉल है. फीमेल गैमेट्स में न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, बट इन मेल गैमेट्स ओनली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. सो व्हेन द फर्टिलाइजेशन इट टेक्स प्लेस द these two nucleus are unite and the embryo become 2N and the cytoplasm is coming from the female. There is the no cytoplasm in the male gamete. So the always in embryo the cytoplasm is received from the mother, that means there is the from the female gametes. So ultimately it is the maternal in origin hua mother se, that means female se aata hai, so it is the maternal origin. Thus this extranuclear inheritance is also known as the maternal inheritance. Isliye use maternal inheritance bolte, because the cytoplasm it's always come from these female sides, so it is known as the maternal inheritance. So this is the introductory part from the questions extranuclear genetics. So first of all, in genetics it is the branch of science which deals with the study of heredity and variation. Then I talk on the nuclear inheritance. In nuclear inheritance, it is related to the nucleus, because in the nucleus there is the presence of chromosomes and genes. Then extranuclear inheritance, that means apart from the nucleus in the cell, presence of cytoplasm and cell organelles. These cytoplasm and cell organelles also inherited, that's why these are known as the extranuclear inheritance. The cytoplasm or which is also known as the cytoplasmic inheritance or the cell organelles inheritance. Then I talk on this maternal inheritance. In maternal inheritance, that means after the fertilization, the cytoplasmic material is always come from the female sides or maternal sides. So this is known as the maternal inheritance. So this is all about the introductory part of the extranuclear genetics. So today we stop here. In next video, we talk on this extranuclear inheritance with the help of different examples. So I stop here.